थे क्या? आप अपनी अम्मी से प्यार करते, आप इसीलिए ऐसे रिया कर आए। I understand, but हम मिलके सारी मुश्किलों से, हम मिलकर अब हम नहीं रहे रोशनी, अब मैं और आप हैं। आप अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाइए, मुझे छोड़कर चली जाइए। अमन ये क्या कर रहा है? रोशनी और मेरे बीच कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब जो बात होगी रोशनी और मेरे बीच में होगी। जाइए रोशनी। देखिए हस्बैंड वाइफ की बात है, ये सब ठीक हो जाएगा, प्लीज ऐसे मत कीजिए। मेरी अम्मी कोमा में है और आपको ये हस्बैंड वाइफ के बीच की बात लग रही है? रोशनी, गलती की सजा होती है, कुछ गलती की माफी होती है, और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसकी ना तो सजा होती है और ना ही माफी, सिर्फ एक आवाज आती है, रिश्ता टूटने की आवाज। और आपका और मेरा रिश्ता टूट चुका है, चली जाइए और कभी लौट कर मत आइए। जाइए जाइए। आपको मेरी बात ना मानने की आदत है ना? खान बाबा। अमन जुनैद खान, आदत बदल लीजिए रोशनी। अगर मैं मर भी रहा हूं तो मेरा मुंह देखने मत आइएगा। नहीं सकी, लेकिन उसने अमन को रोशनी का भी नहीं रहने दिया। पर अमन ये नहीं जानता कि जब रोशनी चली जाती है तब अंधेरा आता है अमन की जिंदगी और दिल में भी अब अंधेरा आएगा, खाना अंधेरा। नवाब साहब को बहुत बड़ा गम मिला है बेटा, संभलने में वक्त लगेगा। उन्होंने गुस्से में आके बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन
उन बातों को दिल से लगा कि बैठने की जरूरत नहीं है मेरी जान। मैं जाऊंगी, मैं खुद जाके नवाब साहब से बात करूंगी। अम्मी आप कहीं नहीं जाएंगी, अल्लाह ने उस पे मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आपने सुना ना उन्होंने क्या कहा कि वो मेरा चेहरा कभी नहीं देखना चाहते। मैंने खान बाबा से सच्ची मोहब्बत की है, और मोहब्बत में जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मैं भी खान बाबा की ये ख्वाहिश पूरी करूंगी। खान बाबा मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते ना, तो मैं उनके सामने कभी नहीं जाऊंगी। अल्लाह रोशनी ऐसे नहीं बोलते बेटा, और रिश्ते ऐसे चलते भी नहीं। रिश्ते तो बराबरी वालों में होते हैं ना, पर उन्होंने तो कभी हमें बराबरी का समझा ही नहीं। उन्होंने रिश्ता नहीं जोड़ा, एक तवायफ की बेटी पर एहसान किया था। मुझे सच्ची मोहब्बत चाहिए थी अम्मी, एहसान नहीं। एक बार पहले भी वो मुझे घर से बेइज्जत करके बाहर निकाल चुके हैं ना। मैंने मोहब्बत को दूसरा मौका दिया, गलती मेरी थी। अगर कभी प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट में से एक चीज को चुनना हो ना हमें, तो हर लड़की को सेल्फ रिस्पेक्ट चुननी चाहिए, क्योंकि जो इंसान इज्जत ही नहीं दे सकता वो भला प्यार क्या करेगा। अब मैं खान बाबा के पास कभी नहीं जाऊंगी, अभी कभी भी नहीं जाऊंगी, कभी भी। ऊपर वाले का बनाया हुआ दिल से दिल का कनेक्शन नीचे वालों ने तोड़ दिया, हमें सब खत्म हो गया। बस मेरी जान।